direct electric DC currents. Yani this instrument is used to measure DC current. तो और इसका एक और नाम भी है, इज आल्सो कॉल्ड एज मूविंग मैग्नेट टाइप गैल्वेनोमीटर, वी विल डिस्कस व्हाई. अनदर इज इट इज बेस्ड ऑन टैंजेंट लॉ. सो दिस इज द मेन थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद इट्स कंस्ट्रक्शन. तो यहां पे ये जो आप देख रहे हो, दिस इज अ वर्टिकल सर्कुलर फ्रेम, राइट. तो वो जो मटेरियल, इट्स अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, पहले ये ध्यान रखिए. तो दिस इज अ नॉन मैग्नेटिक फ्रेम. और इस नॉन मैग्नेटिक फ्रेम पे यहाँ पे क्या है, देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, वाउंड ओवर अ वर्टिकल सर्कुलर फ्रेम. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्क्रूज है, यहाँ पे राइट, एक दो तीन, राइट. तो मान लीजिए दिस इज, अगर आपने ये यूज किया तो यहाँ पे सिर्फ 50 टर्न्स यूज होंगे. ठीक है, यहाँ पे देयर मेनी टर्न्स, और इस तरह से बनाया गया कि सिर्फ क्या यूज होंगे, 50 टर्न्स. अगर आपने ये वाला यूज किया तो यू कैन सेलेक्ट 100 टर्न्स. तो इस तरह से यहाँ पे कुछ ये स्क्रूज अवेलेबल है, इसके हिसाब से नंबर ऑफ टर्न्स सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कितने टर्न्स सेलेक्ट करने हैं, और बहुत सारे टर्न्स उसमें से. दूसरा, स्मॉल मैग्नेटिक कंपास, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, राइट, यहाँ पे एक वर्टिकल सर्कुलर प्लेन के सेंटर में, इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस मैग्नेटिक नीडल को रखा गया है. समझ में आ रहा आपको? ठीक है, ओके. दिस नीडल इज फ्री टू रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. ओके, ये हुआ कंस्ट्रक्शन. अब ये वर्क कैसे करे, राइट, और टैंजेंट लॉ क्या है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. तो जैसे ही यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया कि मानो 50 टर्न्स आपने सेलेक्ट कर लिए, और उस टर्न्स में क्या फ्लो कर रहे हैं, करंट. ठीक है, यानी इसमें यहाँ पे जो ये कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर के 50 टर्न्स है, मान लो उसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसमें आपने क्या सेट कर दिया, करंट सेट कर दिया, जिस करंट को आपको मेजर करना है, जिस करंट को आपको मेजर करना है, वो करंट फ्लो तो होना चाहिए, तो मेजर किसको करोगे, नहीं नहीं. तो यहाँ पे जो आपने 50 सर्कुलर टर्न सेलेक्ट कर लिए, या n सर्कुलर टर्न सेलेक्ट कर लिए, इसमें डीसी करंट फ्लो, जिस करंट को हमें क्या करना है, मेजर करना है. ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब आप देखो, अगर इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी इफ करंट इज जीरो, इफ करंट इज जीरो, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि जो मैग्नेटिक नीडल है, वो मैग्नेटिक नीडल एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खुद को क्या कर लेगा, वो अलाइन कर लेगा. समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि सिर्फ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उस पर लग रहा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. यानी पहला स्टेप आप ये सोचिए कि अगर इसमें करंट जो फ्लो है, वो करंट कितना है, वो करंट अगर जीरो है, तो ये एग्जैक्टली ये मिडल कैसे अलाइन होगा, ये इस तरह से अलाइन हो जाएगा, ये आपका साउथ पोल, अर्थ का साउथ पोल, और ये अर्थ का बार बार में खुद का अलाइन कर लिया, और सब डायरेक्शन. ठीक है, ओके, समझ में आपको? पर जैसे ही हम लोग इस पे करंट सेट करेंगे, तो ये जो सर्कुलर कॉइल है, करंट करंट सर्कुलर कॉइल, ये खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. ये बात समझ में आपको? जैसे मान लो कि इसमें जो है करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, राइट, तो इसकी वजह से फील्ड कैसा होगा, इस तरह से होगा, हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलरली इनसाइड होगा, राइट. तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से दिखा सकते हैं कि एक इस तरह से, ये जो आप समझ रहे हो ना, ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन का डिसीजन चल रहा है. यानी इस यहाँ पे जो कंपास रखा गया है इस बॉक्स पे, राइट, इस बॉक्स को आप ऊपर से देखें, कैसे देख रहे हो आप, टॉप व्यू ले रहे हो इसका, राइट, टॉप व्यू लोगे तो इसका जो फील्ड है, जो एक्चुअली वर्टिकली अंदर है, वर्टिकली इन साइड, इफ द करंट इज फ्लोइंग इन दिस वे, देन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कॉइल, वो कैसा होगा, वो इस तरह से होगा, अंदर होगा, राइट, करेक्ट. याद है आपको कॉइल के लिए हम लोग क्या करते थे, कॉइल के लिए फिंगर किस डायरेक्शन में होता था, फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में, थंब क्या करता था, फील्ड का डायरेक्शन. इसका मतलब अगर करंट की डायरेक्शन से फिंगर रखेंगे आप, फिर थंब आ गया, यानी इस तरह से अंदर है, यानी जो मैग्नेट रखा गया है उस बॉक्स में, उस बॉक्स के पैरेलल है फील्ड. तो उसी में जब आप टॉप व्यू देखोगे तो आपको ये फील्ड ऐसा दिखाई देगा, तो इस फील्ड
को मैं बोल देता हूँ बी नॉट, क्या बोल देता हूँ बी नॉट, जो किसकी वजह से है वो करंट की वजह से, और ये जो फील्ड है यहाँ पे इसको मैं बी एच बोल देता हूँ। ये बी एच क्या है, बी एच है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब करंट जीरो था राइट, जब करंट जीरो था तो सिर्फ बी एच था, लेकिन जब करंट फ्लो होगा यानी करंट इज नॉट जीरो, व्हेन करंट विल फ्लो तो वहां पे एक और फील्ड आ जाएगा, वो फील्ड होगा उस कॉइल की वजह से, इसको क्या बोल रहे हैं बी नॉट बोल रहे। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अब ये इस तरह अलाइन नहीं हो सकता, ये क्या होगा, ये जो रिजल्टेंट फील्ड होगा उस रिजल्टेंट फील्ड के डायरेक्शन में ये खुद को अलाइन कर लेगा। ये बात समझ में आया आपको राइट, ये जो मैग्नेट है ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, खुद को इस तरह से अलाइन कर लेगा रिजल्टेंट फील्ड के डायरेक्शन में। समझ में आया आपको। तो यहाँ पे अब आप मान लो कि ये वाला जो एंगल है यानी जो एंगल वो बना रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, इसको हम लोग बोल देते हैं थीटा, क्या बोलते हैं इसको थीटा। तो टैन थीटा क्या होगा, तो टैन थीटा हो जाएगा क्या हो जाएगा बी नॉट बाई बी एच, ठीक है। अच्छा अभी देखो आप बी नॉट क्या होगा, तो हमको पता है बी नॉट क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई टू आर होगा, करेक्ट, म्यू नॉट आई बाई टू आर। आर मतलब ये जो नॉन मैग्नेटिक फ्रेम है उसका रेडियस, क्योंकि इसकी वजह से आप निकाल रहे हैं ना फील्ड, तो अगर एक टर्न होता तो म्यू नॉट आई बाई टू आर, यहाँ एन टर्न है तो म्यू नॉट इंटू एन, म्यू नॉट आई बाई टू आर इंटू एन, तो ये फील्ड है। व्हेन मैं आपको सो दिस इज इक्वल टू व्हाट बी नॉट बाई बी एच, लेकिन आपने बी नॉट का वैल्यू पुट कर दिया डिवाइड बाई बी एच, ठीक है ओके। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, करेंट आई इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा बी एच टू आर tan theta divided by mu not n, तो राइट यही करंट कितना मिलेगा आपने को यहाँ से 2 times bhr divided by mu not n into tan theta। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट है राइट, तो I is equal to basically k tan theta, मतलब करंट इज प्रोपोर्शनल टू tan theta, इसको बोलते हैं tan inverse, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टैंजेंट लॉ। इसलिए ये बोला गया कि जो मूविंग मैग्नेट टाइप गैल्वेनोमीटर इसको बोलते हैं, यानी टैंजेंट गैल्वेनोमीटर। एक आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एमसीजी, क्या था वो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता, मूविंग कॉइल जिसमें कॉइल रोटेट कर रहा था, ये क्या है, ये मूविंग मैग्नेट टाइप गैल्वेनोमीटर, क्यों, क्योंकि इसमें जो मैग्नेट है वो रोटेट कर रहा है, और वो आपको क्या बता रहा है कि डीसी करंट कितना फ्लो करेगा राइट। तो दिस इज बेस्ड ऑन द टैंजेंट लॉ, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है इज प्रोपोर्शनल टू टैन थीटा, हमने जो एमसीजी पढ़ा था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वहां पे करंट वाज प्रोपोर्शनल टू थीटा, समझ में आ गया, इट वाज नॉट द टैंजेंट लॉ, यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो क्या है, टैंजेंट लॉ पहली बार। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आप ये देख रहे हो आई इज इक्वल टू के टैन थीटा, तो अगर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो, इफ थीटा इज 45 डिग्री तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 45, तो i किसके बराबर हो जाएगा k, तो ये जो k आप देखो इस k को बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर, क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन फैक्टर। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि रिडक्शन फैक्टर इज इक्वल टू द करंट दैट इज फ्लोइंग राइट इन द वर्टिकल सर्कुलर कॉइल व्हेन द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल इज 45 डिग्री, तो जो करंट का वैल्यू है दैट करंट इज इक्वल टू द रिडक्शन फैक्टर, ठीक है, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है के इसका वैल्यू कैसे निकालोगे आप राइट। तो जब थीटा जितना होगा 45 डिग्री होगा तो उस वक्त एक करंट फ्लो हो रहा होगा इस वर्टिकल सर्कुलर प्लेन में, तो वो जो करंट फ्लो हो रहा होगा दैट करंट इज इक्वल टू रिडक्शन फैक्टर, और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट फील्ड एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट। ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, किसमें, ये हमने आपको ऐसे दिखा है वर्टिकल प्लेन, लेकिन ये पूरा का पूरा किसमें, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। तो इस तरह से जैसे यहाँ पे करंट ऐसा फ्लो कर रहा है तो बी नॉट अंदर है, ये बी एच है, तो रिजल्टेंट फील्ड इसके रिजल्टेंट के अलॉन्ग है इस तरह से राइट, मतलब अगर ये बी नॉट है ये बी एच है तो रिजल्टेंट इसी को आपको वर्टिकली।